जैसे अगर आप कोई फिल्म या फिर मूवी देख रहे होते हो तब आपको पता होता है कि उस फिल्म में जो एक्टिंग किया गया है वो सिर्फ एक एक्टिंग ही है, उसमें के सारे कैरेक्टर्स एक्टर हैं। लेकिन जैसे ही कोई सैड मोमेंट आता है तो आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लो लेकिन उस सैड मोमेंट को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। इसमें आपको तो सच्चाई पता होती है लेकिन अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन उस चीज को रियल मानने लगता है। ब्रेन अपने आप को चाह कर भी रोक नहीं सकता है। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया, यहाँ पर भी झूठ का एक बहुत मोटा लेयर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो चीजें है नहीं लेकिन हमारा ब्रेन उसे अनकॉन्शियसली सच मानने लग जाता है और अपने आप में ही कुछ चीजें क्रिएट कर देता है। जैसे अगर कोई किसी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इन पर कोई अपनी फोटो पोस्ट करता है तो अगर उस फोटो में उसका फेस एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन में होगा तब वो अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में ये सिग्नल भेजेगा कि इसकी जो रियल लाइफ है वो भी एटीट्यूड में रहता होगा, ये डेंजर टाइप का है या फिर इसने लोगों से बहुत धोखा खाया है इसलिए ये एटीट्यूड में रहता है। हमको अनकॉन्शियसली उसके लिए एक एटीट्यूड सा फीलिंग आता है कि उसका बैकग्राउंड भी एटीट्यूड टाइप का ही होगा जबकि उसकी रियल लाइफ इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। वो बंदा एकदम नॉर्मल होता है और शायद वो एक कुत्ते के बॉक्स से भी डर जाता होगा लेकिन फोटो में वो एटीट्यूड वाला एक्सप्रेशन देता है क्योंकि उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रियल लाइफ कैसी भी हो लेकिन उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके बारे में आप क्या सोचते हो। इसलिए वो जितनी भी फोटो क्लिक करवाता है उसमें से जो फोटो सबसे ज्यादा अच्छी होती है उसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है ताकि आपको उसके बारे में एक अलग थॉट आए। और जो थोड़ा बैड एंगल में फोटो क्लिक हो जाता है उसे वो खुद भी देखना पसंद नहीं करता है इसलिए वो उस फोटो को तुरंत डिलीट कर देता है। तो इसी तरह हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हम उसकी रियलिटी नहीं देखते हैं, हम तो वो देखते हैं जो कि सामने वाला हमें दिखाना चाहता है और वो वही पोस्ट करता है जो वो हमें दिखाना चाहता है। तो आज ऐसे ही सोशल मीडिया के काले सच के बारे में जानेंगे और जो क्रिंज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जो वीडियो होने वाली है वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट गेट। वैसे अगर देखा जाए तो आज हर दूसरा शख्स इन्फ्लुएंसर है जिसकी भी आईडी में देखो डीएम फॉर पेट कोलैबोरेशन लिखा रहता है या फिर डीएम फॉर बिजनेस इंक्वायरी लिखा रहता है। और अभी जो आर्टिस्ट हैं वो हाइड होते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो आर्टिस्ट होते थे जिनके पास कोई टैलेंट था वो सोशल मीडिया पे ज्यादा होते थे, उन्हीं के ज्यादा फॉलोअर और ज्यादा सब्सक्राइबर होते थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर 95% है तो 5% आर्टिस्ट हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स आते कहाँ से? तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ये टिकटॉक से आए और अब ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बस गए हैं। जो बंदा रील्स बनाता है या फिर टिकटॉक बनाता है तो वो हर बंदा खुद को स्टार समझता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ और वो स्टार बन जाएगा, उसके बाद तो पैसा फेम नाम सब कुछ मिलने लगेगा। वो किसी एक ब्रांड का प्रमोशन करेगा तो उसके पास पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि जितनी तेजी से इन्फ्लुएंसर की ग्रोथ हो रही है आगे जाके इनकी वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी। एंड इन्फ्लुएंसर और आर्टिस्ट में कॉमन सा फर्क है, इन्फ्लुएंसर आते जाते रहते हैं लेकिन आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा रहता है। और इसीलिए ही आज कंटेंट और क्रिंज में फर्क ही नहीं रह गया, लोग क्रिंज के नाम पे पब्लिक को एडिक्टिव और चूतिया बना रहे हैं। लोगों को कंटेंट और क्रिंज में फर्क ही नहीं समझ में आता है इसलिए क्रिंज देने वाले के फॉलोअर तेजी से बढ़ते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम। और आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था सेक्सुअल अटैचमेंट के बारे में जो कि इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियां जो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर या फिर फिगर के दम पे लड़कों के माइंड को अनकॉन्शियसली एडिक्टिव एंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही क्रिंज नहीं चलता है बल्कि ये यूट्यूब पर भी है। कुछ ऐसे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जो कंटेंट के नाम पर कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं और व्यूज उनके घंटों में ही मिलियन में आ जाते हैं और यहाँ हमारे वीडियो पे 10-15 व्यूज। क्या छोड़ो, किसी का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन कंटेंट के नाम पर क्रिंज फैला रहा है। कोई रिएक्शन दे रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई फन के नाम पर आपकी काट रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऑडियंस उनको देखती क्यों है और इसी की वजह से जो रियल टैलेंट होता है वो छुप जाता है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो तो क्रिंज के पीछे भागती है। और इसीलिए ही बॉलीवुड में निपोटिज्म बढ़ा, जिन्हें एक्टिंग नहीं आती थी उन्हें बहुत सारे टेक लेने के बाद उन्हें एक्टिंग करवाया जाता था। यहाँ पे निपोटिज्म बढ़ने के कारण पब्लिक समझदार हुई और वो साउथ मूवी की तरफ भागने लगी बॉलीवुड छोड़कर। तो अब सवाल ये आता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर से क्रिंज बाहर कैसे करें? तो बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपको क्रिंज लगे या फिर बिना टैलेंट के लगे तो उसे तुरंत आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से रिपोर्ट कर दीजिए और नॉट इंटरेस्ट कर दीजिए। ऐसा सभी के फोन से कर एंड इवन उन्हें अनफॉलो कर दे जिससे कि हर बंदा जो खुद को सुपर स्टार समझता है उन्हें पता चल सके कि कंटेंट और क्रिंज में फर्क होता है। तो चलो अभी इनकी साइकोलॉजी
जी जानते हैं। अच्छा आप ही सोचो कि जैसे किसी लड़की या फिर किसी लड़के को नए बंदे से मिलाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपस में नए हैं, तो कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लेंगे, बिकॉज वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, अच्छाई या बुराई कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे कोई स्टार या फिर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर है जिसपे की आप अच्छे से बिलीव करते हो, अनकॉन्शियसली वो आपको अच्छा इंसान लगता है और आप उसके हर वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, मतलब कि उसे हार्टली कनेक्ट करते हो, मींस आपको वो अच्छा लगता है या फिर लगती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि उसके बारे में आप जानते क्या हो, अच्छाई या बुराई क्या जानते हो? सच बताऊं तो आप उतना ही जानते हो जितना कि वो आपको दिखाना चाहता है। अगर उसको कोई फोटो पसंद है तो वो वही सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, जो वीडियो वो आप तक दिखाना चाहता है वही वो यूट्यूब पर डालेगा, वही तो आप देखते हो और उसी बेसिस पे आप उसे जज करते हो, मतलब कि वो बंदा जो आपको दिखाता है उसी के बेस पर आप उसे अच्छा मानते हो। लेकिन हर इंसान के दो साइड होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, इसलिए सबकॉन्शियसली आप मजबूर हो जाते हो कि जो सोशल मीडिया पे है वो सच है। कहे तो सोशल मीडिया आपके ब्रेन को एक लेयर से ढक लेता है और पता नहीं वो इंसान रियल लाइफ में कैसा हो, उसके बिहेवियर कैसे हो, और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है, इसलिए इसे आप डीपली सोचना और इस लेयर से बाहर आने की कोशिश करना। और नेक्स्ट है, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि इस मेडल पर आपका हक है, ये सब सिर्फ आपकी वजह से है और आप मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो, तो यकीन मानना मेरा, वो यूट्यूबर या फिर वो बंदा आपका बहुत बुरी तरह से काट रहा होता है। क्योंकि आप ही सोचो, लेकिन उस लेयर से बाहर निकलकर सोचना कि वो आपको जानता है नहीं, एग्जैक्ट किसी का नाम जानता है नहीं, मतलब कि वो आपको सब्सक्राइब या फिर व्यूज के नंबर के बेसिस पे काउंट कर रहा है। अगर आप उसे अनसब्सक्राइब कर दोगे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपको नंबर के बेसिस पे काउंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके सब्सक्राइब बढ़ने के बाद वो तो फिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि वो आपको क्रेडिट देता क्यों है? वो आपको क्रेडिट इसलिए देता है ताकि आप उसके साथ हमेशा बने रहो। नहीं तो आप ही सोचो कि जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है और उसके 10-15 व्यूज आ रहे होते हैं जैसे कि मेरे, तब क्या उसे आप देखते हो? नहीं, क्योंकि उसके वीडियो का कंटेंट क्वालिटी नहीं ठीक था और सब्सक्राइबर बेस भी नहीं था। जब उसके अच्छे व्यूज और अच्छे सब्सक्राइबर आने लगे तभी तो आप उसे देखते हो ना, और उसे भी पता होता है कि स्ट्रगल के टाइम उससे देखने वाला कोई नहीं होता है, वो अपने स्ट्रगल और कॉन्टेंट के दम पर आगे बढ़ा है, लेकिन वो क्रेडिट आपको देता है ताकि आप उसके साथ हमेशा बने रहो और उसके वीडियोस को देखते रहो। तो जैसा कि मैंने बात किया लेयर के बारे में, तो उसी की ओर बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर कोई अपनी फोटो क्लिक करता है और उसके फेस पर एक्सप्रेस कैसा भी हो लाइक एटीट्यूड, तो अगर वो अपनी उसी फोटो पर कोई सॉन्ग लगा देता है तो जब हम उसको देखते हैं तब हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियसली ये चल रहा होता है कि जो सॉन्ग प्ले हो रहा है उसके बीट फोटो में रह रहे शख्स के मन में भी चल रहा है, मतलब कि उसके ब्रेन में भी वैसे ही बीट चल रहे हैं जैसे कि सॉन्ग में प्ले हो रहा है। अगर एटीट्यूड वाला सॉन्ग हो तो ऐसा लगता है कि फोटो वाला शख्स खुद उस गाने में कहे गए वर्ड को कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा हो सकता है और सामने वाला बंदा भी यही आता है। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया डेवलपर से लेकर उसके यूजर्स सब सिर्फ हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, वो भी सबकॉन्शियसली। और इसी तरह कोई अपना स्टेटस या फिर स्टोरी अपडेट करता है, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्यों ना हो, लेकिन वो इस थॉट से नहीं अपडेट करता है कि उसकी ये फीलिंग है, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि ये उसकी फीलिंग नहीं होती है, बल्कि उसकी फीलिंग स्टेटस या स्टोरी अपडेट करने से पहले ही तक होती है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी वो आपको दे देता है कि अब आप उसके बारे में क्या सोचोगे। चलो इसे सिंपल से समझते हैं, हम स्टेटस या स्टोरी इस थॉट से अपडेट करते हैं कि इसे जो देखेगा वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम उसमें के व्यू देखते हैं कि इसे कितने लोगों ने देखा और अगर इसने देखा तो ये हमारे बारे में क्या सोचा होगा, और इसीलिए हम स्टोरी या फिर स्टेटस की व्यू को बार बार देखते रहते हैं। मतलब कि इस पूरे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया एक सफेद झूठ है जो हम लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है, इसलिए आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे सब अच्छे होते हैं क्योंकि वही वो आपको दिखा रहा है। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि और अमेजिंग चीजें हैं जो आपको बतानी है। और यार अभी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, दिन में लगभग 3 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि जितने टेस्टिंग हो रहे हैं उससे 10 से 29 गुना ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं डेली, क्योंकि और लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए एक वेबसाइट covid19hypertwitter.in करके, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप सिटी सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा बेड सबको
कुछ कोविड से रिलेटेड सामान मौजूद है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कितने बेड खाली हैं, सब कुछ यहाँ से आप पता कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि आपका फेवरेट यूट्यूबर भी नहीं आएगा आपकी फैमिली का ख्याल रखने, और मैं भी नहीं आऊंगा। तो ख्याल रखो अपना और घर से जितना कम हो सके उतना कम निकलो। और क्या आप जानते हो कि किसी के अंदर आत्मा कैसे एंटर करती है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देख सकते हो। और ऐसे अमेजिंग चीजें जानना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करो ये वीडियो देखकर। सो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।